मम्मी ने पोपट कर दिया हमारा। देखो जो लेट करेगा वो ये करेगा लास्ट में। सो बॉन्जोर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज चल रही है मेरी ऑनलाइन क्लासेस। पता नहीं कॉलेज वालों ने आज ऑनलाइन क्लासेस कैसे करा दी, बहुत बड़ी मेहरबानी। तो दो क्लासेस मैं अटेंड कर चुकी हूँ और तीसरी वाली मेरी 12 बजे से। एंड अभी हमें पता चला है कि हमारे पड़ोस में बिल्ली के बच्चे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से कलर के हैं और कितने छोटे हैं। तो गाइस मिल गया हमारे पड़ोसियों से, वो है बॉबी, वो है तरुण। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं। झूठ तो अगर झूठ बोल रहा हो देख लेना फिर। हाँ अब तरुण हमें दिखाएगा बिल्लियों के बच्चे। आजा हमारे पड़ोसी ऐसी हरकतें करते हैं इसलिए हम इनसे ज्यादा बात नहीं करते। ये आ रहे हैं बिल्ली के बच्चे। देखो दीदी ये लो। ओली ये बहुत क्यूट है दीदी। ये लो तरुण भी दिखा देता है। ये दिखा तो रहा है। मेल है फीमेल है पता नहीं है। दीदी चेक करो तो। नमस्कार। ये मिली है निखिल से, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये बिल्ली के बच्चे बहुत क्यूट है यार। अभी समझ में नहीं आ रहा। देखो दी ये वाला भी। इनकी आंखें भी नहीं खुली अभी तक। प्रॉपर वाले कलर है, बिल्कुल ब्लैक ही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला है कि ये मेल है और ये फीमेल है। डॉक्टर वंशिका भी इसने बोला है। बिल्लियों की माँ बाहर आ चुकी है। रात को इधर लेकर घूम रही थी यार बिस्तर में। इसको लग रहा होगा कि हम इसके बच्चे उठा के चल जाएंगे। आज हमने अपने स्कूबी को मेडिसिन लगा रखी है क्योंकि इसको पता नहीं इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है। तो डॉक्टर ने इसे बहुत सारी मेडिसिन दी है। आने वाली मेडिसिन थी वो हमने उसे लगा दी है। ओ स्कूबी ज्यादा परेशान है, ज्यादा परेशान है। फिर ये भी थोड़ा बहुत खुश आ रही थी तो हमने इसे भी लगा दी मेडिसिन। देखो कितनी खुश है। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख तो मैं खा रही हूँ यूनिबिक बिस्किट। तो ये वाला जो यूनिबिक बिस्किट का फ्लेवर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें उतनी पसंद नहीं है खाने में और एकदम सॉल्टी सॉल्टी होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मम्मी कह रही है कि बाहर कपड़े डाल दे तो मैं उनकी मदद कर देती हूँ थोड़ी सी क्योंकि सुबह से काम करने में जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के कॉफ़ी क्योंकि मम्मी भी सुबह से काम करने में है और पापा भी अभी अभी शॉप से आए हैं तो बनाते हैं उनके लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी में डब्बा है क्या मम्मी आपकी? ब्लैक कॉफ़ी में आया जरा मैं पानी पी लूँ पहले प्लीज़। हाँ मम्मी और मैं जा रहे हैं भीमताल। मौसम वैसे थोड़ा बहुत बारिश का हो रहा है पर अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे बारिश होती है तो भीमताल में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भीमताल में उस टाइम पे मौसम बनी रहा होता है तो हम टाइम पे होके आ जाएंगे। बहुत सारा सामान लेना है अब पता नहीं कौन सा मिलता है कौन सा नहीं मिलता है। फिलहाल मम्मी और मैं निकलते हैं बस थोड़ी ही देर में क्योंकि मम्मी को उनका एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा है। सो हमें जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो बारिश हो जाएगी और ये बारिश हो ही गई। बारिश हो गई थोड़ी कम तो हम सोच रहे हैं कि अब चलते हैं। मम्मी हो चुकी है रेडी, उसकी भी निकाल नहीं जल्दी स्कूटी निकली हुई है बस तो मोड़ नहीं है। गीले भी हो गई होगी तो कपड़ा डालना पड़ेगा ठीक है। तो मैंने जो स्कूटी थी वो रोड के एकदम साइड पर लगाई थी क्योंकि मुझे भरोसा था कि बारिश कम होगी और हम पक्का जाएंगे। पूरी स्कूटी भीग चुकी है। अभी मम्मी कपड़ा लाएंगी तो उससे हम साफ करेंगे। मम्मी आ गई कपड़ा लेके। मैं सच बोल रही सारा लेट मम्मी की वजह से हुआ है। मम्मी ने आज बहुत खतरनाक लेट करा दिया। देखो जो लेट करेगा वो ये करेगा लास्ट में। अब चुके हैं खतरनाक वाला। ये तो और बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। चला पाएगी? हाँ मम्मी तो लग रहा है मैं बकेट से डाल रहा है पानी। हाँ चला पाएगी तू? हाँ रुक जाए। हम आधे रास्ते पर चले गए थे और फिर इतनी तेज बारिश आई कि हमें वापस आना पड़ा। ये टी शर्ट पता नहीं कैसे गंदी हो गई। तो अभी हम लोग हैं हमारी शॉप में। जिन लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग नहीं देखे उन्हें नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि हमारी शॉप है और हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर नहीं बैठ जाते हैं।
आप लिख नहीं रही हो। बहुत अच्छा सोचा बेटा आपने, बहुत बढ़िया सोचा। हमने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि हम क्या क्या लेके आएंगे। जैसे आधे रास्ते से थोड़ा आगे पहुंचे, सारे सपने बारिश के साथ ही बह गए। यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी टेस्टी टेस्टी चाउमीन, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, खुशी के लिए वेरी वेरी अच्छी चाउमीन। किसी ने मेरी चाउमीन में कब्जा कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मेरी चाउमीन खतरे में है। फाइनली घर पहुंच गए हैं। मम्मी आओ तो, मम्मी भी भीग चुकी है पूरा खतरनाक वाला, मैं भी। हम लोग इतनी तेज बारिश में दुकान से वापस आए हैं। ये ने एकदम सही डिसीजन लिया भीमताल ना जाके। अगर हम भीमताल चले जाते ना, हमारा वापस आना मुश्किल हो जाता। वो तो अच्छा है मम्मी ने जरा पूछ लिया था कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है। हम लोग दोबारा भीमताल के निकल रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बारिश रुक चुकी है। वैसे हमारा जाना इससे इम्पॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि डॉगीज का जो खाना है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो लाना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें रास्ते में दोबारा बारिश मिली तो अनफॉर्चुनेटली दोबारा वापस आना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए एक पैसेंजर और आ गई है चलने के लिए भीमताल। सो हम आ गए सबसे पहले रेन कोट लेने के लिए, ताकि अगर बारिश आए तो हम भीगे ना इस बार। सॉरी, पहले रेन कोट ले लेते हैं। तो जो शॉप में मेरी बोली थी वहाँ रेन कोट ही नहीं है। वाओ, अब कहीं और से लेते हैं। मम्मी ने पोपट कर दिया हमारा। अब हम आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। तो ये दी आपको सिखाएंगी कि सब्जी कैसे लेते हैं। दी बताओ कैसे पहचानते हैं। अगर इनकी जो नोक है ना अच्छे से टूट गई तो इसका मतलब ये अच्छी है, और अगर ये नहीं टूट पाई तो इसका मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है। तो ये धीरे बीटेक की ऐसी है, उनको बहुत याद है भिंडी कैसे पता लगाते हैं। ऐसे हमारे तो फ्रूट से निकले, पर हमें थोड़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं तो हम सब्जी भी ले लेते हैं। ये बुढ़ी है देखो, ये बताएंगे कौन सी बुढ़ी है। ऐसे ये देखिए याली बुढ़ी है, ये टूट नहीं पाई। ठीक है, तो ये बुढ़ी है, जिसको नहीं आता है वो सीख लो, काम आएगा। अब हम ले रहे हैं एप्पल। मैं तो मेन एप्पल खाने के लिए आई थी क्योंकि मुझे एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद आज हम भीमताल पहुँच ही गए आखिर, और अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इतने राउंड मार रहे हैं हमने भीमताल में, क्योंकि डॉग हमारे जो ये बबल स्कूबी है उनका खाना कहीं भी नहीं मिल रहा था। और अभी आते वक्त हम लोग अपने लाए हैं काजू शेक मेरे लिए और फालूदा मम्मी और दी के लिए। ये है मेरा काजू शेक और ये है मम्मी और दी का फालूदा। आओ ना खाते हैं, सारे पीते हैं। आज के ब्लॉग लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो अ कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।